हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अपने चैनल में जिसका नाम है लेट्स हैक द प्रोग्रामिंग और मैं हूं एनोनिमस। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने वाईफाई, जो हमारा लेक्चर पहले हमारे चैनल पर चल रहा था कि हम वाईफाई को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो जो WEP वाली सिक्योरिटी थी वो हमने आपको क्रैक करके दिखा दी थी। तो अब बात आती है WPA और WPA2 सिक्योरिटी की, तो हम उसको कैसे क्रैक करेंगे। तो उसके क्रैक करने के लिए हम अपने जो हमारी विंडो मशीन है विंडो मशीन पे चलेंगे और आपको एक प्रैक्टिकली तरीके से आपको करके दिखाएंगे कि हम वो सब कैसे करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दी जाए, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं हमारे चैनल की तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे हमारे चैनल पर। तो चलते हैं हम अपनी विंडो मशीन के ऊपर, वहाँ मैं आपको करके दिखाऊँगी हमें प्रैक्टिकली करना क्या होगा कि जो हम WPA और WPA2 सिक्योरिटी को क्रैक करेंगे। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि जो हमारा वाईफाई अडेप्टर है, वायरलेस अडेप्टर जिसका हम यूज़ करेंगे, तो उसका आपने मॉनिटर मोड में कैसे चेंज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं आई बटन पर उस वीडियो को लिंक दे दूंगा, आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हो कि हम अपने वायरलेस डिवाइस को मॉनिटर मोड में कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसको मॉनिटर मोड में नहीं चेंज करोगे तो वर्क नहीं करेगा। मैंने आपको हैंडशेक फाइल भी कैप्चर करना बता दिया था कि उसको कैसे कैप्चर करना है। तो आज हम WPA और WPA2 सिक्योरिटी को क्रैक करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है लेट्स हैक द प्रोग्रामिंग। तो हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन में हमने जो अपना वर्चुअल बॉक्स के अंदर हमारी काली लिनक्स थी उसको हमने यहाँ पे ओपन किया गया है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, मैं आपको एक बार बेसिक समझा देता हूँ कि हम इसमें करेंगे क्या। जो हमारे WPA और WPA2 की सिक्योरिटी का हम क्रैक करेंगे, हमें करना क्या है। तो जो हम वायरलेस डिवाइस यूज़ करेंगे तो उसका हमें मॉनिटर मोड में चेंज करना है। मॉनिटर मोड की मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, जो इससे पहले वाला लेक्चर उसमें मैंने आपको बता दिया कि हम मॉनिटर मोड में उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, मॉनिटर मोड में चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा इंटरफेस रहेगा उसको हमें स्कैन करना है। उसको स्कैन करने के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी उससे क्लाइंट कनेक्टेड हैं उनको हमें डिसकनेक्ट करना है डी ऑथेंटिकेशन की हेल्प से। तो डी ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, तो जैसे ही वो डिसकनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट होएंगे तो हमारे पास एक हैंडशेक फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसी हैंडशेक फाइल का यूज़ करके हम WPA और WPA2 सिक्योरिटी को क्रैक करेंगे। तो हम आपको ये सब प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर किसी का भी फिर भी कोई डाउट है तो हमारे फेसबुक पेज पे, ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप मैसेज करके छोड़ सकते हो या कमेंट छोड़ सकते हो वीडियो के नीचे, अगर आपका इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है। ठीक है, या आपको कुछ भी दिक्कत आती है करने में तो कमेंट ज़रूर करें, जैसे ही हम आपका कमेंट पढ़ेंगे आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम सबसे पहले जो हमारा टर्मिनेटर रहेगा उसको हम ओपन करते हैं। टर्मिनेटर को लेके भी एक जो हमारा सब्सक्राइबर था उसका हमारे पास कमेंट आया था कि सर हमें टर्मिनेटर यहाँ पे इंस्टॉल करना है अपनी काली के अंदर, तो हम उसको कैसे इंस्टॉल करें। तो टर्मिनेटर की वीडियो भी मैंने आपको अपने चैनल पे दे दी है, तो आप टर्मिनेटर को कैसे इंस्टॉल करेंगे वो जाके देख सकते हो। एक बेसिक सी कमांड है, छोटी सी कमांड जो, उस कमांड का आप यूज़ करके टर्मिनेटर अपनी काली के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अपना जो वाईफाई क्रैकिंग का है आज हमारा, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो हमारा वायरलेस कार्ड है वो मॉनिटर मोड में है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं उसको मॉनिटर मोड में चेंज करूँगा। ठीक है, तो हम इफ़ कॉन्फिग का कमांड का यूज़ करेंगे, इफ़ कॉन्फिग। तो IW कॉन्फिग का हमने कमांड का यूज़ किया तो हमारे पास यहाँ पे मोड शो हो रहा है जो कि हमारा मॉनिटर मोड में है अभी। ठीक है, तो मॉनिटर मोड में हमारा वायरलेस कार्ड अभी चल रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो आगे की मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने पता है कि मॉनिटर मोड में कैसे चेंज करना है तो वीडियो यहाँ से आगे देख सकते हैं, और जिनको नहीं पता कि मॉनिटर मोड में कैसे चेंज करना है तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि मॉनिटर मोड में चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना मॉनिटर मोड के आप WPA और WPA2 मतलब कोई सा भी वाईफाई, चाहे वो कोई सी भी सिक्योरिटी पे काम करता हो, उसको क्रैक नहीं कर सकते जब तक आपका वायरलेस कार्ड मॉनिटर मोड पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, एरोडंप एनजी का यूज़ करना है। एरोडंप एनजी के बाद हमें बैंड देना है,
तो बैंड का भी मैंने आपको बता दिया था कि बैंड का मैं यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ। बैंड का यूज़ करने का मेन मोटिव मेरा यही है कि जो मेरे आसपास नेटवर्क रहेंगे जो कि 2.4 पे काम कर रहे हैं 5.1 पे काम कर रहे हैं वो मेरे पास दोनों ही यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बैंड के बाद ABZ का यूज़ करेंगे। ABZ का मतलब है कि हमें 2.4 और 5.1 दोनों ही बैंड्स को यहाँ पे स्कैन करना है और उसके बाद हम अपना इंटरफेस दे देंगे जो कि हमारा WLAN 0 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेरे आसपास यहाँ पे अभी वाईफाई नहीं शो रहेगा क्योंकि मैंने अपना जो मॉनिटर मोड में जिसको चेंज कर दिया, मॉनिटर मोड में चेंज करने के बाद ही हमारे आसपास के वाईफाई हमें नहीं शो कराएगा, सिर्फ हमारे इसके जो हमारा टर्मिनेटर है सिर्फ इसके अंदर ही शो कराएगा, बाहर के शो नहीं कराएगा और ना ही किसी वाईफाई से ये कनेक्ट हो सकता अभी जब तक ये मॉनिटर मोड में है। ठीक है, हम इसका वाईफाई निकालने के बाद इसको मैनेज मोड में चेंज कर लेंगे और मैनेज मोड में चेंज करने के बाद जो हमें पासवर्ड मिलेगा उस पासवर्ड को हम लगा के देखेंगे कि वो एक्चुअल में पासवर्ड लगता है या नहीं लगता जो हमने क्रैक किया है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करने के बाद इसको करते हैं एंटर। जो जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो एक वाईफाई शो हो रहा है जो कि डोंट कनेक्ट एम वायरस के नाम से शो हो रहा है। ये एक्चुअली में मेरा ही वाईफाई है, मैंने इसका नाम रखा हुआ है डोंट कनेक्ट एम वायरस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारे पास ये वाईफाई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी हैंडशेक फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हैंडशेक फाइल हम कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हम एक जो हमारी विंडो रहेगी उसको ओपन कर लेते हैं और एक और कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प रहे। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे क्विट कर दिया जो हमारी स्कैनिंग चल रही थी। ठीक है, तो जो हमारे आसपास वाईफाई था, तो जो हमारे आसपास वाईफाई था वो हमें यहाँ पे शो हो चुका है। उसका मैक एड्रेस हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि उसका मैक एड्रेस यहाँ पे क्या है। ठीक है, उसका चैनल हमें शो हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो अभी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि अभी डाटा ट्रांसफ़र सिर्फ 8 पैकेट्स इसने सेंड किए हैं या रिसीव किया है, तो मतलब इससे कोई कनेक्ट है नहीं, वो अभी हमें देखेंगे। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो BSS ID हम यहाँ दे देंगे ये वाली। ठीक है, तो BSS ID हम ये वाली दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो BSS ID मैंने यहाँ पे ये वाली सेम यहाँ पे दी है। चैनल अभी थोड़ा डिफरेंस हो गया, यहाँ पे चैनल 2 हो गया, तो यहाँ पे चैनल 1 मैंने किया हुआ है पहले। ठीक है, तो हम इसको चैनल 2 कर लेते हैं और जो हम इसको राइट कराएंगे राइट करा लेते हैं हम वाईफाई के नाम से, हैक के नाम से करा लेते हैं। ठीक है, तो हमने हैक के नाम से इसको राइट करा लिया, WLAN 0 पे कराना है तो WLAN 0 पे। ठीक है, इस कमांड को मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके और आपको याद भी हो सके। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रोग्राम का नाम दे दिया है AeroDump NG, उसके बाद हमने BSS ID दी है। ठीक है, BSS ID जो ये वाली है हमने यहाँ से उठा के दी है कि हमें इस वाले वाईफाई को क्रैक करना है। ठीक है, तो हमने ये भी इसकी BSS ID दे दी है। उसके बाद हमने चैनल दिया है, चैनल यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल 2 है, तो हमने चैनल 2 दे दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने इसको राइट कराया अपनी हार्ड डिस्क में, मतलब ये इसके जो पैकेट्स हैं उनको स्निफ करेगा, उनको स्निफ करने के बाद उनके अंदर ही हमें एक पासवर्ड मिलेगा। हम इसमें करने के वाले हैं कि जो इससे क्लाइंट्स इससे कनेक्टेड हैं उन क्लाइंट्स को हम डिसकनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वाईफाई से बिना कनेक्ट हुए हम उनको डिसकनेक्ट करेंगे, तो उनको डिसकनेक्ट जैसे ही हम करेंगे, डिसकनेक्ट होने के बाद वो जब भी इस वाईफाई से कनेक्ट होएंगे, ठीक है, कनेक्ट होंगे तभी हाँ वो एक की है वो वेरीफाई करेगा और उस की को हमने स्निफ कर लेना है। ठीक है, तो उस की के वही की हमारी काम आएगी इस वाईफाई से हमें कनेक्ट करने में। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी राउटर से कनेक्ट होते हैं तो एक IVs और हमारी की जो हम उसमें डालते हैं उन दोनों को मैच करता है, वो तभी हमें परमिशन देता है राउटर कि हम उससे कनेक्ट हों या ना हों। ठीक है, तो हमें उन्हीं पैकेट्स को स्निफ करना है, तो हम उसको राइट कराने के लिए हमने राइट कमांड यहाँ पे दे दी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं क्लिक। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक होगा इस वाईफाई से जितने भी क्लाइंट्स होंगे उनकी लिस्ट हमें यहाँ नीचे
शो हो जाएगी, ठीक है। तो शो हो जाने के बाद ही हमें इनमें से किसी एक क्लाइंट को डिस्कनेक्ट करना है, बट हम इस वाईफाई से अभी डिस्कनेक्ट नहीं है क्योंकि हमें इस वाईफाई का की नहीं पता, ठीक है। हम एज अ सपोज करते हैं कि हमें इस वाईफाई का की नहीं पता, बट हमें फिर भी इससे जो कनेक्टेड क्लाइंट है उनको डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे डीऑथेंटिकेशन का। डीऑथेंटिकेशन का हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ हमें उसको डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट हम कैसे करेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे हमें उसको करना है डीऑथेंटिकेशन। तो डीऑथेंटिकेशन का मैं आपको कमांड बता देता हूँ, ए रिप्ले एनजी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे डीओथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे और वैल्यू डालने के बाद हम यहाँ पे हमें क्लाइंट की जो हमारी अटैकर की वो हमें मैक एड्रेस देना पड़ेगा। तो हमारा मैक एड्रेस यहाँ पे ये है, तो हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमें जो हमारे हमें क्लाइंट करना है डिस्कनेक्ट, उसकी हम यहाँ पे मैक एड्रेस दे देंगे। जैसे हमें ये वाला यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना है तो हम इसके मैक एड्रेस को यहाँ से कॉपी करेंगे, तो इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसको या भी सही से हुआ नहीं, हम इसको एक बार दोबारा पेस्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद हम अपने इंटरफेस का नाम दे देते हैं और उसका हम जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो वहाँ से आप एक बार ध्यान से देखना कि अभी इसका लोस्ट 0 चल रहा है, बट जैसे हम इसको एंटर करेंगे यहाँ पे लोस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक बार उसे डिस्कनेक्ट होने लगेगा। और जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू दी है वो डिस्कनेक्ट होने के बाद जैसे इससे कनेक्ट होगा तो हम एक हैंडशेक फाइल कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे जो लोस्ट है वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बढ़ता जा रहा है, वो जितना बढ़ेगा उतना सही है, और उस टाइम के बाद हमें एक हैंडशेक फाइल हम कैप्चर कर लेंगे। तो थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी इसको हम डीऑथेंटिकेशन कर रहे हैं और जैसे डीऑथेंटिकेशन हो रहा है तो हमारे पास जो था हैंडशेक फाइल हमारी वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, वो आप देख सकते हो हैंडशेक फाइल हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमें इसको ओपन करना है एक वर्ड लिस्ट की हेल्प से, तो हम इसको करते हैं ओपन। तो अब हमारे पास हैंडशेक फाइल आ चुकी है। तो हैंडशेक फाइल आने के बाद हमारा काम क्या रहेगा, जो हमें WPA और WPA2 की सिक्योरिटी को क्रैक करना है उसके लिए हमें एक वर्ड लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। तो वर्ड लिस्ट आप क्रंच की हेल्प से भी कर सकते हो, तो मैं आपको क्रंच की हेल्प से एक वर्ड लिस्ट रेडी करके दिखाता हूँ, ठीक है क्रंच। उसके बाद हमें जो हमारे मिनिमम नंबर मतलब कितने नंबर का पासवर्ड रह सकता है तो हम वो दे देते हैं, हमारा मिनिमम 8 नंबर का पासवर्ड होता है, ठीक है, और उससे ज़्यादा 10 नंबर का, ठीक है। उसके बाद हमें देना पड़ेगा कि वो किस तरीके से हो सकते हैं, 10 अक्षर या 8 से 10 अक्षर किस तरीके के हो सकते हैं, हमें वो देना पड़ेगा। तो हम दे देते हैं जैसे 11 22 33 44, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके का होगा और उसके बाद हम -o की हेल्प से इसको नाम दे देंगे कि हमें ये किस नाम से बनाना है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ वर्ड 2, क्योंकि मैंने एक वर्ड लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। तो वर्ड 2 और हम इसको करते हैं रन।
तो जैसे ही ये रन होगा तो इसने एक 100% कर दिया है और इसने एक फाइल बना दी है हमारी word2.txt के नाम से, जिसमें हमारे सारे वर्ड लिस्ट के पासवर्ड रहेंगे। तो हम एक बार उस वर्ड लिस्ट को यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। तो इसने जो ये वर्ड लिस्ट बनाई है वो वर्ड लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा एक टूल और है, आप उस टूल का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे वर्ड लिस्ट रेडी करने में। वो बहुत ही अच्छा टूल है जो आपको क्रंच से काफ़ी गुना अच्छी मदद कर सकता है। तो उस टूल का नाम है कप, ठीक है। तो मैं वो भी आपको एक बार यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे वो वर्ड लिस्ट बनाने का एक यहाँ पे टूल है जो आपको एक गिटहब से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो कमेंट करके एक बार मेरे को ज़रूर बताएं, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से मिलेगा। इसमें हमें फर्स्ट नेम देना है, ठीक है, और उसका लास्ट नेम देना है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे नेम दे देते हैं कुछ भी, ठीक है, उसके बाद उसका जो सर नेम है वो देना है, निक नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, एक्सेट्रा, मतलब हमें यहाँ पे जो मर्जी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हमें एक वर्ड लिस्ट बना के रेडी कर देगा। तो उस वर्ड लिस्ट की हेल्प से भी हम वाईफाई क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे एक वर्ड लिस्ट बन चुकी है जो हमने क्रंच की हेल्प से बनाई थी, तो उसको हम यहाँ पे कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो हमें यूज़ करना है एयर क्रैक। तो हमारे पास यहाँ पे जो हैक टू के नाम से सेव हुई है, तो हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमने वर्ड लिस्ट यहाँ पे रेडी की थी, तो हम वर्ड लिस्ट यहाँ पे दे देंगे। तो जो हमारी वर्ड लिस्ट हमने वर्ड लिस्ट टू के नाम से की थी, बट मेरे पास एक वर्ड के नाम से पहले ही एक वर्ड लिस्ट है, तो मैं उसी का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है, और इसको हम करते हैं एंटर। तो हमने जैसे ही इसको एंटर किया है, जो हमारी स्कैनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, और स्कैनिंग होने के बाद ही हमें, तो जैसे यहाँ पे हमें पासवर्ड मिल चुका है अपने वाईफाई का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें अपने वाईफाई का पासवर्ड मिल चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्लेलिस्ट को एक बार जाके ज़रूर देखें। वहाँ पे आपको सी के कोर्सेज और इथिकल हैकिंग के कोर्सेज स्टेप बाय स्टेप सारे मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।